कर्क राशि के जातक हैं, आपके लग्न में राहु बैठा हुआ है और वहीं शुक्र भी है, वहीं बुध भी है। तो आज आपको क्या कर रहा है कि चंद्रमा मन का कारक होता है, राहु बैठा है, तो आज आपका मन उद्विग्न रहेगा, तो अपने मन की उद्विग्नता पर थोड़ा कंट्रोल करना है और आज सोच समझ करके रहना है। परिवार में किसी भी प्रकार का विवाद करने से बचना है और ये ध्यान रखना है कि आज परिवार में शुभ कार्य हो सकता है, आपको नए रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। गृह निर्माण की भी प्लानिंग करेंगे, उसके भी होने की संभावना बन रही है। यदि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ समय है, बहुत अच्छा रहेगा, माता का सुख प्राप्त होगा। तो आपके जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठा हुआ है, तो आज आपको क्या करना है कि अपनी माँ को थोड़ा ध्यान रखना है कि माँ के लिए, माँ अगर कुछ कहती हैं तो आज आपको अपनी पत्नी और माँ, यदि आप विवाहित हैं तो ध्यान रखना है कि माँ भी आपके लिए प्रिय है और पत्नी भी प्रिय है, दोनों का सप्तम भाव से सुख देखा जाता है। तो आपके सातवें केतु और मंगल बैठा पत्नी भाव है और आपके माता भाव में बृहस्पति है, तो दोनों में यदि आप सामंजस्य स्थापित कर लेंगे तो आज आपका महत्व बढ़ जाएगा। पत्नी भी महत्व है, पूर्ण है, और पत्नी और माँ भी महत्वपूर्ण है, तो दोनों में इक्विलिब्रियम अगर आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छा रखना। ध्यान रखना है कि माँ हर्ट ना हो और ये भी ध्यान रखना है कि पत्नी का भी ध्यान रखना है, तो दोनों में सामंजस्य स्थापित करना आपके अंदर एक कला है। अगर ये कला में आप कर लिए तो आज आप विजयश्री मिलेगा। और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि आपके जो पुराने शत्रु हैं उनसे थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, और दूसरा अपनी गोपनीयता बनाए रखना आपके लिए अच्छा रहेगा, और किसी ज़रूरतमंद की जब मदद करते थे और अच्छा है। और आपका जो लक्की अंक है, जो शुभ अंक है, वो आपका शुभ अंक 9 है, शुभ रंग हल्का आसमानी है और आपका लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण।